हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए समर स्पेशल रिफ्रेशिंग इजी वाटरमेलन एंड ड्रैगन फ्रूट्स मॉकटेल ड्रिंक शेयर कर रही हूँ। होप यू ऑल विल ट्राई एंड एंजॉय दिस रिफ्रेशिंग ड्रिंक। वाटरमेलन मॉकटेल के लिए सबसे पहले हम मिंट लीव्स और लेमन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्लास में ले लेंगे। और उसमें अब हम वाटरमेलन्स के क्यूब्स डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऐसे करना है कि उनका जूस मिक्स हो जाए, बट मिंट और लेमन का फ्लेवर आ जाए, पर वो एकदम क्रश नहीं कर देना है, अदरवाइज उसकी कड़वाहट उसमें आ जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आइस क्यूब्स, सब्जा सीड जिसको हम तकमरी भी बोलते हैं, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला और इसमें सोडा डाल करके ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी है। इसको मिक्स करिए एंड ठंडा ठंडा सर्व करिए। अब चलिए अब हम बनाते हैं ड्रैगन फ्रूट्स मॉकटेल। इसके लिए हमने मिंट लीव्स, लेमन एंड ड्रैगन फ्रूट्स को लेकर के वैसे ही क्रश कर लेना है जैसे हम लोगों ने वाटरमेलन उसमें किया था। फिर दोनों में फ़र्क इतना है कि उसमें हमने सब्जा सीड्स ऐड किए थे और इसमें हमको सब्जा सीड्स ऐड नहीं करने। इसमें हमको सब्जा सीड्स की जगह रोआब्जा ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से पूरा एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। अब इसमें हम रोआब्जा ऐड करेंगे। रोआब्जा मेरा जैसे ज़्यादा थोड़ा मीठा है तो मैंने थोड़ा कम ऐड किया है, अदरवाइज आप इसमें 2 स्पून्स रोआब्जा ऐड करिए। और आइस क्यूब्स एंड थोड़ा सा चाट मसाला एंड सोडा वाटर डाल करके आपका ड्रैगन फ्रूट्स मॉकटेल भी रेडी है। होप यू ऑल इन्जॉय बोथ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स इन दिस समर। अगर आपको मेरी ये ड्रिंक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।